फ्रॉम ट्रैवल टेल्स इंडिया, जय हो गंगा मैया की। आपके लिए ये ब्लॉग हम लेके आए हैं गंगोत्री धाम से। उत्तराखंड में हैं हम अभी, तो जो इस बार की यात्रा हम कर रहे थे यमुनोत्री और गंगोत्री, यमुनोत्री हम कर चुके हैं और अभी हम लोग हैं गंगोत्री में। गंगोत्री जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है और हर्षिल वैली पड़ती है, उसके आगे गंगोत्री आता है। तो कल हम लोग हर्षिल में रुके थे, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने स्टार्ट किया गंगोत्री की तरफ। टेम्परेचर वॉज -6 थोड़ी देर पहले, बट अब सूर्य भगवान मेहरबान हुए हैं तो फीलिंग क्वाइट बेटर। तो गंगा मैया के धाम में इम्पोर्टेंस क्या है कि जो गंगा जी का सोर्स है, स्रोत है, जहाँ से गंगा मैया शुरू होती है, वो यहाँ से ऊपर ग्लेशियर है गोमुख। ऑल्दो वो 18 किलोमीटर्स का ट्रैक है, वो एक अलग से एक यात्रा आप कह लीजिए है। तो फिलहाल तो हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, पर यहाँ पे भी आके प्लेन्स में, मतलब जो गंगा जी आती हैं, तो अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो आप गंगोत्री तक आके भी वो दर्शन कर सकते हैं। बस जहाँ जहाँ हम घूमते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपको हम अपने साथ घुमाते रहें, आपको भी दर्शन करवा दें, अपने साथ जो जगह हम देखते हैं, जो नॉलेज हम गेन करते हैं, वो आपसे शेयर करें। बाकी हम आपको थोड़े व्यूज़ दिखाते हैं। और ये मेन टेंपल प्रमिसेस हैं जहाँ खड़ी हूँ मैं पीछे गंगा मैया का, तो दर्शन हमने कर लिए हैं और उसके बाद हम लोग वापस निकल रहे हैं। बाइक पे आए हैं हम लोग, तो इसलिए सुबह बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई, टेम्परेचर जैसे कि बहुत ही डाउन था। तो बस यही है, पहाड़ों में आके हमेशा से अच्छा फील होता है। एंड वन मोर मैसेज कि जितनी भी हमारी नदियां हैं, ये हमारी जीवन दायिनी है, लाइफ के लिए एक हमारा लाइफ लाइन है, एक सोर्स है, तो प्लीज़ इन्हें पॉल्यूट ना कीजिए। ये जो हमारा ड्यूअल बिहेवियर होता है ना, कि हम धार्मिक स्थान पे आते हैं तो वहाँ के पूजा करते हैं, लेकिन आप थोड़ी और प्लेन्स में जाते हैं तो आप देख लीजिए कि हम ही उन नदियों को गंदा कर रहे होते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप इतना दूर यात्राएं करके आते हैं इतना दिन से, तो इस तरह से उनको हर जगह पे, हर नदी, ना कि एक नदी, हर कोई ऐसी सोर्स और नेचुरल रिसोर्स है जो। और इसी के साथ हमारी चार धाम की यात्रा जो है वो संपन्न हुई। इस बार दो धाम किए, केदारनाथ जी बद्रीनाथ जी 2012 में किया था, जैसा प्रभु इच्छा, तो जब आना था तभी आना था। तो इसके साथ ही हमारे उत्तराखंड के चार धाम जो है वो संपूर्ण हुए। गंगा मैया की हर हर महादेव।